पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम नया टेस्टी और कुरकुरा नाश्ता। आप इस नाश्ते को कभी भी व्रत में बना के खा सकते हैं और ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है ये और बहुत ही चटपटा होता है। जब भी आपको भूख लग रही है तो आप ये झटपट से नाश्ता बना के खा सकते हैं। आप इसको हरी धनिया की चटनी के साथ या दही के साथ खा सकते हैं, आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और ये मैंने यहाँ पर एक कटोरी समा के चावल का इस तरह से पाउडर बना के तैयार कर लिया है। मिक्सी के जार में डाल के मैंने इस तरह का इसका एक फाइन पाउडर बना लिया है। बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आपके पास समा के चावल नहीं है तो आप इसकी जगह साबूदाने भी ले सकते हैं, उनको भी आप मिक्सी के जार में डाल के पाउडर बना सकते हैं, या आप इसकी जगह सिंगाड़े का आटा भी ले सकते हैं। कूटू का आटा नहीं लेना है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये समा के चावल लिए हैं। इससे क्या होता है कि थोड़े से जो हमारे बड़े हैं वो अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर समा के चावल ले लिए हैं। अब इसमें हम 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच हम इसमें ये सेंधा नमक डाल देते हैं और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां डाल देते हैं। तो अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक बैटर बना के तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से हम पकौड़े बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें इसका बैटर बना के तैयार करना है। तो हम एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो बैटर हमारा पतला भी हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसका पतला बैटर है क्योंकि समा के जो चावल हैं वो अभी फूलेंगे तो ये बैटर है वो थिक हो जाएगा। तो अगर हमें बाद में जरूरत लगेगी तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। बैटर हमारा बन गया है तो अभी हम बैटर को कवर करके इसी तरह से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये अच्छे से रेस्ट कर रहा है जब तक हम इसके लिए स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। मैं यहाँ पर घी का यूज कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यहाँ पर ले सकते हैं। घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। घी अच्छे से गर्म हो गया है तो ये मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच जीरा लिया है, जीरा डाल देते हैं। अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जीरा को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये 1 अदरक का टुकड़ा ले लिया था। अदरक के टुकड़ों को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास पेस्ट है तो वो भी आप ले सकते हैं। 3 मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले ली है, ये डाल देते हैं। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 2 मिनट के लिए इस तरह से हम इनको फ्राई कर लेते हैं। और 3 से 4 मैंने यहाँ पर करी पत्ते ले लिए हैं, इनको मैं इस तरह से तोड़ लिया है, ये डाल देते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको स्किप कर दें। और ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो ये मैंने यहाँ पर ये 3 मीडियम साइज के आलू ले लिए थे। आलू को मैंने अच्छे से बॉइल करके इस तरह से मैश कर लिया है। हमें इनको थोड़ा बारीकी मैश करना है तो आलू को हम इसमें डाल देते हैं। आलू को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो 1/2 चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर ये सेंधा नमक ले लिया है व्रत वाला, ये डाल देते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसको इस तरह से मिक्स करते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं। इस तरह से आलू को हम इसमें भून लेंगे। इससे भूनने से क्या होता है कि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको मिक्स करते हुए जो भी मोटा मोटा टुकड़ा है उसको हम इस तरह से स्पैचुला से मैश करते जाएंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं। ये मैंने अच्छे से स्टफिंग को भून लिया है 2 से 3 मिनट तक। अब हम इसमें ये लास्ट में धनिया की पत्तियां डाल देते हैं और इनको भी मिला देंगे। गैस को हम ऑफ कर देते हैं और स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए किसी बर्तन में निकाल देंगे। और ये यहाँ पर बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से सेट हो गया है। तो ये देखिए ये अपने आप से थिक हो गया है, तो हमें इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। देखिए हमें बिल्कुल
इस तरह की कंसिस्टेंसी का इसका बैटर बनाना है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बिल्कुल इस तरह का जिससे इजीली अच्छे से कोट हो जाए आलू पे। तो बैटर हमारा बन गया है और इधर देखिए स्टफिंग भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैंने अब थोड़े से कच्चे मूंगफली के दाने ले लिए थे जिनको मैंने अच्छे से रोस्ट करके इस तरह से इनका छिलका साफ कर लिया है। अब हम एक खल्लड़ लेंगे और इसमें सारी मूंगफली के दानों को हम डाल देते हैं। हमें इनको दरदरा सा क्रश करना है, इसका पाउडर नहीं बनाना है, हमें इनको दरदरा सा क्रश करेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसको स्टफिंग में डालेंगे तो इसके जब दाने जो है मुंह में आएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया क्रंचीनेस टेस्ट आएगा। और मूंगफली हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, तो आप इनको जरूर डालें। तो अब हम इनको अच्छे से क्रश कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसका एक दरदरा पाउडर बना लिया है, बिल्कुल इस तरह का। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का हमें इसका ये दरदरा सा पाउडर बनाना है। तो अब हम इसको स्टफिंग में डाल देंगे और अच्छे से हम हाथों से इसको मिक्स कर देते हैं। तो ये मैंने अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है। अब हम हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे और घी को अच्छे से हम हाथों पे अच्छे से लगा लेते हैं ताकि जो बैटर है वो चिपके ना। तो अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको हम इस तरह से गोल गोल हम इसकी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह की हमें इसकी बॉल्स बनानी हैं। तो हम प्लेट पर रखते जाएंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी बॉल्स बना लेते हैं। फ्रेंड्स आप एक और इस नाश्ते को जरूर बना के देखें, आपको खा के बहुत मज़ा आ जाएगा, मतलब टेस्टी लगता है खाने में। देखिए इसी तरह से हम सारी बॉल्स बना बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये सारी बॉल्स बना बना के तैयार कर ली हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ, नाश्ता बना लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके कढ़ाई में घी गर्म करने की रख दिया है। मैं यहाँ पर घी का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो भी आप व्रत में खाते हैं। घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। घी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें से अच्छी हीट आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने बैटर लिया है उसको हम थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे इस तरह से और इसमें अपनी एक बॉल्स डालेंगे। बॉल्स को अच्छे से हम इसमें लपेट लेते हैं और अच्छे से हम इसको इसमें डाल देंगे। तो इसी तरह से हम जितनी बॉल्स इसमें आ जाएंगे उतनी हम डाल देंगे एक बार में। बॉल्स को इसमें डाल दिया है। तो अभी हम बॉल्स को अच्छे से सिकने देते हैं। तो गैस का फ्लेम मीडियम रख देंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तभी हम इनको पलटेंगे। तो ये देखिए इनका कलर जो है नीचे से चेंज हो गया है। तो अब हम इनको पलट देते हैं। तो ये देखिए बॉल्स जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई दोनों साइड से। तो अब हम इनको निकाल देते हैं। तो इस तरह से हम इनको झड़ा देंगे ताकि इनका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें से निकल जाएगा। तो अब हम इनको एक टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी चटपटा एंड कुरकुरा नाश्ता बनके तैयार है। ये देखिए कितने ही यम्मी लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी बना है। ये देखिए कितना मस्त नाश्ता बना है, बहुत ही यम्मी है। आप इस नाश्ते को एक बार जरूर ट्राई करें। आप इसको हरी चटनी के साथ, दही के साथ, किसी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।